की इस पुनरावृत्ति कक्षा में आप देखिए, हम दो कविताएं हमने कल कर ली थी। आज है हमारे सामने विष्णु खरे की कविता सत्य और दूसरी है एक कब। सत्य कविता में क्या कहते हैं वो? सत्य कविता में वे बताते हैं कि सत्य का सामना जब व्यक्ति करता है तब सत्य उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह उसकी दृढ़ प्रतिज्ञता पर निर्भर करता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह उस सत्य की खोज में कितनी दूर तक जाएगा, जितने कष्ट कितने परेशानियों को वह सह सकता है। जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ सत्य की खोज में लगा रहता है, जिस प्रकार युधिष्ठिर विदुर जब घने जंगलों की तरफ जाने लगते हैं तब भी युधिष्ठिर उनका पीछा नहीं छोड़ते, वे उनको आवाज़ देते रहते हैं, निरंतर उन्हें बुलाते हैं कि सुनिए स्वामी, मैं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर हो, आप रुकिए। लेकिन सत्य नहीं रुकता, क्योंकि सत्य क्या जानना चाहता है? सत्य जानना चाहता है कि जो सत्यान्वेषी है, जो सत्य की खोज कर रहा है, सत्य को प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष जैसे युधिष्ठिर है, वो कितनी दूर तक उनका पीछा करेंगे, कितनी दूर, कितनी उनमें सत्य को जानने की ललक है, कहाँ तक वो उनके पीछे आ सकते हैं और कितना वो सत्य को जानने के इच्छुक हैं। इन सभी को जब वह जान लेता है, परख लेता है सत्य, उसे लगता है कि जो व्यक्ति उनके पीछे आ रहा है सत्य को जानने के लिए, इतना कष्टों को उठा रहा है, वो सच में एक सुपात्र है जिसे सत्य जानना चाहिए। सत्य उसके सामने प्रकट हो जाता है, क्योंकि सत्य को जानने के लिए उसने किसी भी कष्ट, किसी भी संकट, किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप पीछे कदम नहीं हटाए हैं, वे लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। इसलिए सत्य भी प्रकट होता है उनके सामने, सत्य खड़ा हो जाता है और हल्का सा एक प्रकाश मानो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ना कोई कंपन होता है, ना स्फुरण होता है, ना कोई ज्वर आता है, मतलब किसी भी तरह की अलग सी प्रतिक्रिया नहीं होती। वह उसे देखकर उसमें समा जाता है और मतलब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, सत्य क्या है व्यक्ति को पता चल जाता है, या कह सकते एक नज़रिया उसका बन जाता है व्यक्ति को देखने, स्थितियों को समझने का एक वास्तविक यथार्थ समझ उसके अंदर आ जाती है। वह सभी तरह के बंधनों को बेमानी समझते हुए असली जो सही चीज़ें हैं उनको अपनाना प्रारंभ करता है। ठीक है बच्चे, तो ये है सत्य। अगली कविता है एक कब। आज़ादी के बाद की ये कविता है जो विष्णु खरे ने लिखी, एक कम। वे कहते हैं एक कम, एक कम, आप देखिए अपने आप ही जो शीर्षक है अर्थ को स्पष्ट कर रहा है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी पंक्ति में या किसी भी जगह अगर एक व्यक्ति हट जाता है तो वो पंक्ति जो है छोटी हो जाती है। तो एक कम मतलब एक का हटना किसी भी तरह की चीज़ से, वह उसी चीज़ को यहाँ बताने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि जो विष्णु खरे कविता जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि जो देश जब आज़ाद हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया इस देश को आज़ाद कराने में, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो गिने चुने ही लोग पूंजीपति या पैसे वाले हो गए और बहुत सारा तबका जो है निर्धन रह गया। ऐसा क्यों हुआ? वो कहते हैं उन लोगों ने अपने आप को उस होड़ से हटा लिया, उस आपाधापी से, वो प्रतिद्वंदिता से, एक दूसरे के ऊपर हावी होने की जो होड़ थी या सारे अवसरों को चुन लेने की जो होड़ थी, उससे वो पीछे हट गए, क्योंकि वो शायद उनमें चालाकी नहीं थी, वो शायद वो आलसी थे, शायद वे कामचोर थे, और या छोटी मोटी चोरियां, छोटे मोटे व्यवसाय करके ही अपने आप को संतुष्ट कर रहे थे। इस कारण वो इतनी कह सकते हैं पूंजीवादी नहीं बन पाए, पैसे वाले नहीं बन पाए। वह एक कम इसीलिए उन सब चीज़ों से पीछे हट गए। वह कहते हैं, वो कहता है गरीब देश का कि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मैं तुमसे किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा कि तुमने मेरे अवसरों को भी भुनाते हुए एक अच्छे मुकाम को हासिल कर लिया। डरो नहीं मुझसे, मुझे एक रोटी दो, एक चाय,
दो रोटी एक कप चाय या 25 पैसे दे दो, मैं उसी में ही खुश हूँ। मतलब अपने लिए कम से कम वस्तुओं में भी गुजारा करना भारत का, आज़ाद भारत का जो गरीब तबका है वह जानता है। वह आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, वह किसी तरह की प्रतिद्वंदिता नहीं कर रहा, वह किसी तरह की आवाज़ नहीं उठा रहा, किसी तरह का विरोध नहीं कर रहा, वह सिर्फ अपनी स्थिति से कह सकते हैं संतुष्ट हुआ बैठा है। वो इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहता, वह अवसरों को भुनाना नहीं जानता, इसलिए आज उसकी यह स्थिति है। जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत से लोगों ने अपना सहयोग दिया था, अपना कह सकते हैं अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन कुछ ही मुट्ठी भर लोग थे जो देश के आज़ाद होने के बाद उन अवसरों का लाभ उठा ले गए, अन्यथा बहुत से ऐसे लोग थे जो इन सब चीज़ों से पीछे रह गए, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य देश को आज़ाद कराना था, लाभ उठाना नहीं। ठीक है बच्चे, इस तरह दो कविताएं और एक कवि पूरे होते हैं। हम कल अगली कविता पर चर्चा करेंगे।